दिव्यांगों के चेहरों पर आई मुस्कुराहट आवश्यक उपकरण मिलने से मन हुआ प्रफुल्लित। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद, नमन करने के बाद कहा, दिव्यांगों की सेवा सच्ची श्रद्धांजलि। दमोह जिला मुख्यालय पर एक भव्य समारोह में दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। दिव्यांगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मन प्रफुल्लित था क्योंकि उनको आवश्यक उपकरण मिल गए थे। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक भव्य समारोह में दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा यह आवश्यक उपकरण यहाँ पर प्रदान किए गए उनके लिए जो दिव्यांग थे। एक भव्य समारोह में अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बिहार हाउसिंग लॉजिस्टिक कारपोरेशन के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह तथा दमोह विधायक अजय टंडन और अनेक गणमान्य अतिथि वहां पर उपस्थित थे। एक भव्य समारोह के दौरान आयोजन के प्रयोजन के संबंध में एलएन कंपनी और पावर ग्रिड के अधिकारियों ने आयोजन का प्रयोजन विस्तार से रखा। दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों व समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित मूल्य आधारित शाकाहारी जीवन शैली और पूर्ण शराबबंदी को बढ़ावा देने वाले जननायक का मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एलिनको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उपस्थित सभी दिव्यांगजनों और हम सभी की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज पावर ग्रिड अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। वहीं इस अवसर पर दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है और दिव्यांगों की सेवा करना उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है। कि आज हमारी बातें बड़ी खुलकर होनी चाहिए। दिन भी अच्छा है, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आम आदमी नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का जो योगदान देश की आजादी के बाद देश की एकता के लिए है, उसके बारे में मैं जरूर आग्रह करूंगा नौजवान मित्रों से एक बार डॉक्टर मुखर्जी के बारे में जानने की कोशिश जरूर करें। जिन दिव्यांगों के लिए हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, अगर इसके उदाहरण कहीं देख रहे थे, जब देश का विभाजन हो रहा था और जब लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, तो सामाजिक सरोकार का जो पैमाना डॉक्टर मुखर्जी ने तय किया, आजाद भारत में संसाधन होने के बावजूद भी कोई उसे दौरा नहीं पाया, ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता है। हजारों लाखों लोग जो अपना सब कुछ खोकर आए थे, उनने अपने बूते पर समाज के सहयोग से उनके नस्तक भोजन की चिंता की, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, उनके रहने की चिंता की। हमारी जो अपेक्षाएं पूरी तरह से सरकार पर आश्रित हो गई है, अगर उससे मुक्ति चाहिए तो हमें अपने स्वयं की क्षमता पर कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, उसका एहसास अपने भीतर जगाना होगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां पर बैठे हुए वो लोग हम इनकी मदद नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। जब मैं कहता हूं कि जब कभी ऐसे अवसर आते हैं तो मैं फोटो नहीं खींचता था, मैं कहता था कि मैं हाथ से बांटूंगा नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो किसी के भी परिवार का होगा। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, क्या वो परिवार कभी संतोष पा पाता है, चाहे वो कितना ही सफल रहा है? वो लोग जिनको कभी कष्ट होता है, और इसे मैंने कहा था कि 80% से ज्यादा विकलांगता जिसके पास है, दिव्यांगता जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जिनको दिव्यांग कहा है, आप उनको शारीरिक रूप से कमजोर मान सकते हैं,
लेकिन ईश्वर ने उनको सोचा तो ये थोड़ा जरूर किया होगा, तो किसी बेहतर आदमी से भी बेहतर ताकत उनके भीतर होगी, ये बात आप मानकर चलता है। और इसे उनको कमजोर मानना, उनको बोझ मान लेना, इस प्रवृत्ति से बाहर आना, ये बड़ी सफलता है। यहाँ पे समाज सामाजिक सरोकार होता है, तो CSR का जो फंड है वो कहाँ पर लगे, सरकार ने इसकी भी नीति बनाई। आपको आश्चर्य होगा कि भारत सरकार की हमारी स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें मैं भी 5 साल रहा हूँ, हमने CSR को पूरे देश के PSUs को अवगत किया। उसके बाद सरकार ने कानून बनाया कि जो भी आपका लाभार्थ होगा उसका 2% आपको CSR को खर्च करना होगा। और इसलिए जो लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं उनका बधाई देता हूँ। हमारी परंपराओं में हमारे जो पुराने व्यापारी थे वो अपने लिए निकाल कर रखते थे अलग से कि लाभांश का कुछ हिस्सा वो जनहित के कार्यों में खर्च करेंगे। आज सरकार ने उसी प्रवृत्ति को अपने इसी कानून के तहत अपनी सीमाओं के भीतर लिया है। तो सुना आपने, ये थे दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी, आयोजन के प्रयोजन के संबंध में प्रखंडता व्यक्त की और एक प्रेरणादायी उद्बोधन में चिंतन मनन करने पर भी उपस्थित विशाल जनसमूह को मजबूर कर दिया। दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बड़ी संख्या में यहां पर गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।